राजनीतिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मॉलिटिक्स और प्रेस करें बेल आइकन। कल देर शाम एक खबर फैली कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन अब इन खबरों को खुद सुषमा स्वराज ने ही खारिज कर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से सुषमा स्वराज ने राज्यपाल बनाए जाने की खबरों को गलत बताया। ट्वीट में सुषमा स्वराज ने लिखा, मुझे आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने वाली खबर सच नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर कहां से उड़ी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के एक ट्वीट से सस्पेंस पैदा हो गया था, जिसमें उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बनने की बधाई दी थी। हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा की वरिष्ठ नेता और मेरी दीदी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रों में आपके लंबे अनुभव से प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। अब आइए जानते हैं कि सुषमा स्वराज है कौन। सुषमा ने 1970 में एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर जेपी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद वो दो बार हरियाणा विधानसभा पहुंची और फिर क्या था, यहां से जो सुषमा आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुषमा स्वराज की प्रमुख उपलब्धियां, 1970 में जब वे 25 साल की थी तब वे भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1979 में 27 साल की उम्र में वे हरियाणा में जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी। सुषमा स्वराज को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली महिला नेता भी है और अब सुषमा स्वराज को राज्यपाल बनाए जाने की बात हो रही है। धन्यवाद और आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।